हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट से इक्विटी एडवाइजरी के डायरेक्टर देवांग मेहता साहब। मेहता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लाइफ हाई पर है बाजार, पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। ये बताएं सर, क्या है व्यू, डायरेक्शन क्या है, आगे और कितनी तेजी बाकी? जी थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द शो। और आई थिंक आप भी सर इंडियन जर्सी में, क्या बात है, मजा आ गया देखकर। थैंक यू सर। यस थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इतना अच्छा माहौल है, मैं रोक नहीं पाया अपने आपको, आप और आपके गेस्ट को देख के सेंटिमेंट इतना इतना अच्छा है सर। मार्केट का सेंटिमेंट तो अच्छा ही है, क्रिकेट ने भी पूरा देश का सेंटिमेंट एक तरफ से बहुत ही जबरदस्त कर दिया है। और जैसे आप देख रहे थे कैसे स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप स्टॉक बनते जा रहे हैं, लार्ज कैप से मेगा कैप स्टॉक बनते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है उसी तरह से क्रिकेट में भी चौथा वर्ल्ड कप दो हम T20 में और दो हम ODI में देख चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट माहौल, सबको कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी। यस, मार्केट का डायरेक्शन अनिल जी जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे क्लियरली ऐसा इंडिकेशन अभी दिख रहा है कि मैक्रोस सुधर रहे हैं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इंडियन मैक्रोस देखें, अगर आप डेफिसिट की बातें करें, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये सब काफी हद तक कंट्रोल में है और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। टैक्स कलेक्शन के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आप लीड इंडिकेटर देख लीजिए, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, जनरली स्ट्रेट आपको ग्रोथ ही दिख रहा है मंथ ओवर मंथ, और साथ साथ में कॉर्पोरेट नतीजे। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लोस। तो आप मिड कैप स्मॉल कैप के अर्निंग्स देख लीजिए, लास्ट 3-4 साल में कैसे 40-45% से काफी के अर्निंग्स बढ़े और निफ्टी के अर्निंग्स भी 24-25% से बढ़े। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, थोड़ा सा जो पीई है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज मोर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंथुसियाज्म एंड प्रमोटर्स एंथुसियाज्म। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स आप अगर आगे जाइए तो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ दिखा रही है, और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई ऐसा बेरिश इंडिकेशन भी दिख रहा है कोई भी ऐसे पैरामीटर से। तो आई थिंक जनरली पॉजिटिव रहने में, बाय ऑन डिप करने में ही भलाई होगी। बायोडिस्क की स्ट्रेटेजी देखें, बाजार में अभी भी तेजी का रुझान है बरकरार, ये बहुत बड़े संकेत आते दिख रहे हैं। बजट सामने है, क्या उम्मीद रखी जाए सर? आई थिंक अनिल जी बजट पे हमेशा से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफी उम्मीद लेके जाते हैं। आई थिंक इस पॉजिटिव अगर मैं रीड करूं इस समय तो बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है प्लस ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, मार्केट को देखना होगा कि जो भी पास्ट की पॉलिसीज है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया गया है, अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स वगैरह, ये सब सेक्टर्स के लिए संकेत अच्छे हैं। तो एक मार्केट देखना चाहेगा कि अभी भी क्या गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ रहा है। यस, गवर्नमेंट कैपेक्स हमने देखा था एक जमाने में 10 लाख करोड़ था, 2-3 साल पहले उसको 11 लाख करोड़ किया गया था लास्ट ईयर, इसमें कितना ग्रोथ आ रहा है, एक मार्केट को ये देखना है। सेकेंड, इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से जैसे लोग कहते थे कि रूरल संकेत अच्छे नहीं है, जो धीरे धीरे अच्छे होना शुरू हुआ है, बट रूरल इंडिया के लिए या हिंटरलैंड ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं गांवों के लिए, कुछ चीजें करनी पड़ेगी जिसमें ऑलरेडी एग्रीकल्चर FMCG रिलेटेड कंपनीज को कुछ फायदा हो। इसमें क्या हो सकता है, तो एग्री रिलेटेड थोड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सेकेंड, कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा पैसा छोड़ना होगा। यस, नेचुरली हर एक मिडिल क्लास कंज्यूमर या मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है वो सोचता है कि मेरे को थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मे बी इन टैक्स स्लैब्स में, हमेशा ये विशफुल थिंकिंग होता है कितना कर पाएंगे वो डिफिकल्ट है, बट नेक्स्ट 3-5 साल में नेसेसरीली आई थिंक थोड़े टैक्स स्लैब्स में रिडक्शन हो सकते हैं, कुछ बेनिफिट दिए जा सकते हैं। और हेल्थ केयर एज ए सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने पहले भी कहा, और रूरल इंडिया को बेनिफिट होने के लिए एग्री इकोनॉमी को क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, ये 3-4 चीजें एक विश लिस्ट है जो आई थिंक सबको है। और मार्केट को डिस्टर्ब, मार्केट सेंटिमेंट जिस तरह से अच्छा है, बहुत ज्यादा टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव ना किए जाए, जैसे मैं कहता हूँ कंटिन्यूटी रखी जाए, वो एक बेटर है मार्केट सेंटिमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये है आपके लिए बजट को लेकर उम्मीद है। लाइफ हाई पर क्या खरीदा जाए, निवेश कहां करें, बताएं सर। यस अनिल जी, जैसे ऑब्वियस थीम्स बहुत सारे चल चुके हैं, जो आप अगर देखें तो जो मैं बात कर रहा था आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स, एक सेक्टर जो नहीं चला है और मुझे लग रहा है ये थोड़ा क्राउडेड ट्रेड, सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग एज ए सेक्टर। PSU बैंक्स चले थे लेकिन प्राइवेट बैंक्स नहीं चले थे। कुछ आप देखिए तो FMCG बिजनेसेस है जो नहीं चले थे, यहाँ पे आप एक डेफिनेटली एक रुझान बन रहा है कि नेक्स्ट अगले 2-3 साल के लिए ये काफी, इनमें वैल्यूएशन करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों हुआ है और टाइम वाइज भी करेक्शन हुआ है। तो एक सेक्टर आप ये देख सकते हैं जो मैंने कहा बैंक / धीरे धीरे आप कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स, ये दो देख सकते हैं। तीसरा, तेजी जहां जारी रहेगी वो क्लियर दिख रहा है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स, लेकिन इसके प्रॉक्सी प्लेस ढूंढने होंगे। प्रॉक्सी प्लेस में मैं बहुत सिंपल कहता हूं कि आपको बॉटम ऑफ द पिरामिड, जब जब आप कैपेक्स करते हो तो आपका पैसा कहां लगता है पहले, तो आपको एयर सॉल्यूशंस,
एयर कॉम्प्रेसर टाइप कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैप 45,000 करोड़ है। तो इस तरह की कंपनीज जिनका 2x 3x 4x मार्केट कैप हो सकता है, एक ये सेक्टर देख सकते हैं आप। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी जिस तरह से आप एफिशिएंसी मतलब क्या बोलते हैं आप, जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिन्यूएबल एनर्जी एज ए सेक्टर, यहाँ पे अभी भी रुझान है। आप काफी बॉटम ऑफ द पिरामिड जनरेशन अगर आप नहीं देखे तो एनर्जी एफिशिएंसी या कौन सी कंपनीज ऐसी है जो एनर्जी में आपको सॉफ्टवेयर में काफी बदलाव करने में जो हेल्प कर रही है, इस तरह के अगर आपने अल्फा थीम्स ढूंढ लिए, लेमिनेशन कंपनी है, स्टैम्पिंग कंपनीज है जो आपको बॉटम ऑफ द पिरामिड मिलता है या जो प्रॉक्सी प्ले के हिसाब से मिलता है, इस तरह की कंपनीज मुझे लग रहा है आपको काफी हद तक बेनिफिट करेगी। फार्मा में भी इनोवेटर्स है, अगर आप इस तरह की कंपनीज बाय करें तो मुझे लग रहा है कि आप क्राउडेड ट्रेड में नहीं होंगे और आपको काफी सारे नीचे मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज है जिनका मार्केट कैप आज 5,000 8,000 10,000 करोड़ पर, यही मार्केट कैप कल 25 30 40,000 करोड़ पे भी जा सकते हैं। स्टॉक्स हैं आपकी रिसर्च लिस्ट में जो आपकी रिसर्च टीम ने रिकमेंड किए हो? अनिल जी मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ जो हमारे क्लाइंट होल्ड करते हैं जहाँ पे हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है, कुछ समय से हम कंपनीज जो देखते हैं और हमारे लिस्ट में जो है वो उसमें हिटाची एनर्जी शामिल है, ऑलरेडी 9x 10x हो चुका है लास्ट लगभग 4 5 साल में, बट ये हमको ये बिजनेस अभी भी हमको पसंद है। हमको लग रहा है जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 30 30 40 45,000 करोड़ मार्केट कैप हो चुका है इस कंपनी का, आगे भी ये 2x 3x हो सकते हैं। हम और कंपनीज जो देख रहे हैं वो पीटी इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो काफी मार्केट कैप में लोअर है और यहाँ पे भी ये स्टैम्पिंग लेमिनेशन में सॉर्ट ऑफ मार्केट लीडर है। इस तरह की कंपनीज जब हम देखते हैं तब हमको क्लियर दिखता है कि इनका मार्केट शेयर बहुत हाई है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इधर साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, इनका हाई मार्केट शेयर, वर्चुअली ओलिगोपोलिस्टिक टाइप की कंपनीज है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रात को नींद आती है जब आप ऐसी क्लीन कंपनीज बाय करते हो, तो इस तरह की कंपनीज आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन काउंटर्स जहां पर रखे नजर, वॉचलिस्ट पर आप ये रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया भी शेयर करने के लिए।